इसराइल हमास युद्ध के बीच इसराइली सेना गाजा होते हुए अब वेस्ट बैंक में एंटर कर गई है। पिछले एक हफ्ते से इसराइल वेस्ट बैंक में ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, जिसकी वजह से ईरान के प्रॉक्सी गुट इसराइली कब्जे वाले वेस्ट बैंक में भी काफी सक्रिय हो गए हैं। इसराइली बलों की बढ़ती हलचल के बाद से प्रतिरोध लड़ाकों ने घात लगाकर हमले तेज कर दिए। पिछले दिनों इसराइल की ओर से वेस्ट बैंक में कई घातक हमले किए गए हैं। इससे हमास लड़ाकों ने गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक में भी पलटवार कर अपनी मौजूदगी दिखाई है, जहां लड़ाकों ने कई इजरायली सैनिकों पर हमला करने का दावा किया है। अलक्सा शहीद ब्रिगेड ने वेस्ट बैंक के तुलकर्म इलाके में इजरायली बलों से मुठभेड़ की पुष्टि की। समूह ने दावा किया कि एक इजरायली सैनिक फायरिंग में मारा गया, जबकि कई अन्य जवान घायल हो गए हैं। ब्रिगेड ने बताया कि अल घने मैक्सिस में अल कसम ब्रिगेड के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ था। इस दौरान घात लगाकर किए गए हमलों में बड़ी संख्या में इजरायली बल हताहत हुए हैं। समूह ने बताया कि लड़ाकों के बिछाए जाल में इजरायली सेना बुरी तरह फंस गई थी। इसके बाद प्रतिरोध सेनानियों ने आईईडी विस्फोट किया और इजरायली सैनिकों का मशीन गनों से सामना किया। लड़ाकों ने तुलक्रेम शिविर में हरत अल हमाम इलाके में आईडीएफ के साथ भीषण गोलीबारी की। इस दौरान प्रतिरोध ने कई राउंड अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर इजरायली बलों पर दबाव बनाया। वहीं इजरायली कब्जे वाले वेस्ट बैंक के जेनिन में भी अलक्सा शहीद ब्रिगेड ने इजरायली बलों की नाक में दम कर दिया है। लड़ाकों ने अलग अलग जगह पर इजरायली बलों पर हमला किया। इस बीच अल मुजाहिदीन ब्रिगेड ने जेनिन रिफ्यूजी कैंप में मशीन गन का इस्तेमाल कर इजरायली पैदल सेना बल को निशाना बनाया। समूह ने अपने दावे की पुष्टि करते हुए लड़ाकों की ओर से हमला करने से जुड़ा एक फुटेज भी शेयर किया। इसके अलावा नबलस में लड़ाके बलाटा शिविर में हमलावर इजरायली सेना को पीछे ढकेलने में कामयाब रहे। समूह ने दावा किया कि हमलावर सेनाओं और सैन्य वाहनों पर तीव्र गोलाबारी कर बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा इजरायली सेनाओं ने वेस्ट बैंक के कई गवर्नमेंट्स पर हमला किया। वेस्ट बैंक में इजरायली बलों द्वारा किया गया यह हमला पिछले 22 सालों का सबसे बड़ा हमला है। इस पर इजरायली सैन्य कमान ने बताया कि आईडीएफ ने प्रतिरोध सेनानियों को निशाना बनाते हुए तुलकर्म और जेनिन के शासन में बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया, जिससे फिलिस्तीनी प्रतिरोध ने उत्तरी वेस्ट बैंक इलाकों में इजरायल पर हमला करने की घोषणा की। इसके अलावा गाजा के उजाड़ पड़े शहरों में भी हमास लड़ाकों ने इजरायली बलों पर खासा दबाव बनाया। गाजा के जायटॉन पड़ोस में अलकुत्स ब्रिगेड के स्नाइपर ने फिलिस्तीनी नागरिक के घर में घुसे इजरायली सैनिक को मार गिराया। दावा है कि लड़ाके ने उस बिल्डिंग में मौजूद एक और सैनिक को भी गोली से ढेर किया। गौरतलब है कि इसराइल और हमास के बीच लंबे समय से युद्ध विराम पर बातचीत चल रही है, मगर किसी न किसी वजह से ये डील अटक जाती है। हाल में सीज फायर ना हो पाने की एक बड़ी वजह फिलाडेल्फी कॉरिडोर को माना जा रहा है। गाजा और इजिप्ट के बीच बने इस कॉरिडोर पर दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। इसराइल इस पर स्थायी या कम से कम गाजा के कुछ हिस्सों में स्थायी इजरायली सैन्य उपस्थिति की बात करता है, मगर फिलिस्तीनी प्रतिरोध इनमें से कोई भी विकल्प की मंजूरी देने के मूड में नहीं है।